कहते हैं कि होली खुशियों का त्योहार होता है और इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली ही नहीं मनाई। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कोई मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम दुर्गापुर है, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में प्रचलित एक कहानी के मुताबिक लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई और उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था वहां या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मर भी जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार ना मनाने का आदेश दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के ही दिन हो गई। उसके बाद से ही यहाँ होली का त्योहार ना मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अब तक चली आ रही है। और उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की तो उनका भूत आकर गाँव में तबाही मचा देगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।